सीबीआई के एक अफसर जितेंद्र कुमार जी ने आत्महत्या करी। इससे बड़े दुख की बात आज देश के लिए नहीं हो सकती है कि आज प्रधानमंत्री के षड्यंत्र की वजह से आज एक अफसर को अपनी जान लेनी पड़ रही है। कि आज प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। दो दिन पहले सीबीआई के एक अफसर जितेंद्र कुमार जी ने आत्महत्या करी। कौन थे जितेंद्र कुमार जी? जितेंद्र कुमार जी सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। डेप्यूटी लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर जितेंद्र कुमार जी, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर कार्यवाही हो रही है, उस केस में लीगल एडवाइजर की भूमिका निभा रहे थे। एक लीगल एडवाइजर की क्या भूमिका होती है? एक लीगल एडवाइजर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होता, लेकिन एक लीगल एडवाइजर फाइनली किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर, किसी भी रिपोर्ट पर अपनी लीगल राय देता है कि इसके आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जांच के आधार पर, सबूत के आधार पर अगली कार्यवाही क्या होनी चाहिए। अब सीबीआई के सब अफसरों पर कई दिनों से बहुत दबाव बना हुआ है कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले सीबीआई की इज्जत का ना ध्यान रखते हुए सीबीआई की इतिहास में पहली बार सूत्रों के हवाले से एक एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर के आधार पर एक रेड का वारंट बनता है। उस वारंट के आधार पर 14 घंटे तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड होती है, लेकिन एक चीज नहीं मिलती है। हम पिछले दो हफ्ते से बार बार सीबीआई से पूछ रहे हैं कि आखिरकार बताओ तो सही, क्या मिला डिप्टी सीएम के घर पे रेड में? कितना कैश मिला, कितना सोना मिला, कितने सोने के बिस्कुट मिले, कितने हीरे जवाहरात मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागजात मिले? लेकिन सीबीआई वाले क्या बताएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने गद्दे फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, सारी अलमारियों का सामान निकाल दिया, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी का लॉकर चेक करने गए। उस लॉकर में उनको क्या मिला? कुछ 50-60 हजार के गहने जो भाभी जी को अपनी शादी पे मिले थे। लेकिन अभी भी सीबीआई पे दबाव बनाया जा रहा है कि रेड में कुछ ना मिलने के बावजूद, लॉकर में कुछ ना मिलने के बावजूद मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाए। और उस अरेस्ट वारंट को किसको अप्रूव करना होता है? एक लीगल एडवाइजर को अप्रूव करना होता है। एक लीगल एडवाइजर को कहना होता है कि जो जांच पड़ताल हुई है उसके आधार पर अरेस्ट वारंट एक वाजिब चीज है। सीबीआई में कोई लीगल एडवाइजर ये कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि आखिरकार जब रेड में कुछ नहीं मिला, लॉकर में कुछ नहीं मिला, कोई भी अफसर ये कैसे लिखित में कह देगा कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार होना चाहिए? और इसी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई के अफसरों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी को जैसे तैसे हो अरेस्ट करना है। और इतना दबाव बनाया गया जितेंद्र कुमार जी पे कि जितेंद्र कुमार जी इस दबाव को सह नहीं पाए और दो दिन पहले उन्होंने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली। ये हाल हो गया है क्या हमारे देश का, कि केंद्र सरकार अब अपनी ही जांच एजेंसियों के अफसरों पे इतना दबाव बना रहा है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहे हैं?
क्या ये हाल हो गया है हमारे देश का कि केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें गिराने में लगे हुए हैं और उसके लिए केंद्र एजेंसियों को मिसयूज करते हुए झूठे केसेस बना रहे हैं, और जब कुछ भी नहीं मिलता तो सीबीआई के अफसरों पे दबाव बना रहे हैं कि झूठा केस बनाओ, झूठा एफआईआर करो, झूठा अरेस्ट वारंट बनाओ। ये कैसे देश में रह रहे हैं हम? जितेंद्र कुमार जी के पूरे परिवार के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। जितेंद्र कुमार जी के पूरे परिवार को हम अपनी सांत्वना देते हैं और आज इस बात का शोक प्रकट करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज देश की समस्याएं सुलझाने में नहीं लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी महंगाई कम करने में नहीं लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं को बेरोजगारी की समस्या दूर करने में नहीं लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन लोटस के तहत सरकारें गिराने में लगे हुए हैं। इससे बड़े दुख की बात आज देश के लिए नहीं हो सकती है कि आज प्रधानमंत्री के षड्यंत्र की वजह से आज एक अफसर को अपनी जान लेनी पड़ रही है कि उस पे झूठे केस दर्ज करने का, झूठे अरेस्ट करने का दबाव बनाया जा रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी आज आप देश को बताइए तो सही कि मनीष सिसोदिया जी के घर से रेड में क्या मिला आपको? आज आप बताइए तो सही कि मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के लॉकर से क्या मिला आपको? और आप बताइए तो सही कि किस एजेंसी के किस अफसर पे आप कितना दबाव बना रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करें और आप कैसे ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली की सरकार गिराएं? आज प्रधानमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।